नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट टाइम्स टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी श्रीवास्तव। कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट अंदाज में। देश में गोल्ड की डिमांड में जनवरी मार्च तिमाही के दौरान गिरावट दर्ज की गई है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक महंगे दाम और लोगों का गोल्ड के प्रति आकर्षण कम होने से ये हुआ है। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भी सोने की बिक्री घटी है। कच्चे तेल के ऊंचे दामों की मार झेल रही भारतीय जनता को जल्द राहत मिल सकती है। कच्चे तेल के सस्ते आयात को लेकर भारत की रूस के साथ बातचीत चल रही है। भारतीय रिफाइनर रूस के साथ 6 महीने के तेल सौदे पर वार्ता कर रहे। देश में कोयला संकट गहरा गया है और इसका असर देश के ज्यादातर राज्यों में बिजली कटौती के रूप में देखने को मिल रहा है। एक और जहां भीषण गर्मी की मार झेल रही जनता को बिजली की कमी ना बेहाल कर दिया है, तो दूसरी ओर उद्योगों का उत्पादन भी प्रभावित हो रखा है। रूसी गैस को लेकर संसद में पड़े यूरोपीय देशों में फूट पड़नी शुरू हो गई है। अपनी जरूरत की लगभग आधी गैस रूस से आयात करने वाली जर्मनी ने कहा है कि वह रूस से गजप्रोम बैंक में विशेष खाता खोल सकता है। इस खाते में यूरो या डॉलर जमा करके उसे रूसी मुद्रा रूबल में बदला जा सकता है। गेहूं किसान खुश है, सरकार भी खुश है। किसान बता रहे हैं कि दशकों बाद उन्हें सरकारी कीमत यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा कीमत मिल रही है। यही कारण है कि देश के ज्यादातर बड़े उत्पादक राज्यों में सरकारी मंडियों में गेहूं की खरीद की रफ्तार बहुत कम है। यूपी में अब तक गेहूं बेचने के लिए किसानों को क्रय केंद्र तक जाने की जरूरत नहीं होगी। खाद्य एवं रसद विभाग ये व्यवस्था कर रहा है कि मोबाइल क्रय केंद्रों के माध्यम से गांव-गांव जाकर गेहूं खरीदा जाए। वर्तमान में प्रदेश भर में सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं की खरीद की जा रही है। 29 अप्रैल यानी कल 2022 को जारी अधिसूचना में सरकार के खाद्य मंत्रालय ने मई के लिए देश के 531 मिलों को चीनी बिक्री का 22.50 लाख टन कोटा आवंटित किया है। इस बार पिछले महीने की तुलना में ज्यादा चीनी आवंटन की गई है। खाद्य मंत्रालय द्वारा अप्रैल 2022 के लिए 22 लाख टन चीनी बिक्री कोटा की मंजूरी दी गई थी। विदेशी बाजारों में तेजी के कारण आयातित तेलों के महंगा होने से दिल्ली तेल तिलहन बाजार में घरेलू खाद्य तेलों की कीमतों में मजबूती आई है। सूत्रों ने बताया कि इंडोनेशिया के पामोलियन और सीपीओ तेल के निर्यात पर रोक लगाने के बीच मलेशिया एक्सचेंज 2.75% बढ़ गया। भीषण गर्मी और हीट वेव से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। कई राज्यों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले कुछ दिन लोगों को ऐसी ही भीषण गर्मी का सामना करना पड़ेगा, लेकिन सोमवार से कुछ राहत मिलने की उम्मीद है। तो कमोडिटी बाजार से जुड़ी बड़ी खबरों में अभी बस इतना ही। और बड़ी अपडेट्स के लिए आप बने रहिए मार्केट टाइम्स टीवी के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।